हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग औंधा नागनाथ के दर्शन कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में औंधा नागनाथ जाने के लेकर रुकने खाने पीने की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बम भोले का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं औंधा नागनाथ की ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का क्या महत्व है। औंधा नागनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और 8वें स्थान पर है। यह मंदिर हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सिख धर्म में काफी महत्वपूर्ण इसका स्थान है, क्योंकि इसका उल्लेख श्री गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक भक्त रामदेव के समर्पण और श्रद्धा को देखते हुए मंदिर का मुख घुमा दिया था। इस तरह इस मंदिर का मुख द्वार पूर्व दिशा होने के बजाय पश्चिम दिशा में है। शिव जी का शिवलिंग आगे होने के बजाय पीछे है। औंधा नागनाथ कैसे पहुंचे? औंधा नागनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के हिंगोली के औंधा नामक स्थान पर है। तो यहाँ अगर आप रेल के साधन से जाना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हिंगोली है, और हिंगोली से जो मंदिर की दूरी है वो 25 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आपकी ट्रेन परवड़ी तक आती है तो वहाँ से मंदिर की दूरी 50 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के लिए भारत के सभी विभिन्न स्थानों से ट्रेनें चलती हैं। दोनों स्थानों से औंधा नाथ मंदिर जाने के लिए आपको बसेस व टैक्सी आराम से मिल जाती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़, नासिक, सीढ़ी से महाराष्ट्र की सरकारी बसें चलती हैं, और नज़दीकी जो यहाँ का एयरपोर्ट है वो औरंगाबाद हवाई अड्डा है। और इस हवाई अड्डे से औंधा नागनाथ की मंदिर की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। औंधा नागनाथ मंदिर के 400-500 मीटर के आसपास में आपको रुकने के लिए होटल भी मिल जाएंगे। इसमें जो रूम के चार्जेस होते हैं 500 रुपए से 600 रुपए तक होता है। यहाँ पर लग्जरी सुविधा की उम्मीद मत करिएगा। ज्यादातर यात्री हिंगोली या परवड़ी में रुकना पसंद करते हैं। भोजन के लिए यहाँ पर कोई खास रेस्टोरेंट या होटल नहीं है, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए की थाली मिल जाएगी और भरपेट आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ के जो बस स्टॉप है वहीं से आपको सामने आपको औंधा नागनाथ जाने का आपको दरवाजा दिखाई पड़ेगा, और इस गेट से लगभग 50 मीटर की दूरी आपको तय करना पड़ेगा मंदिर के लिए। और इस रास्ते में जब आप जाएंगे तो दोनों तरफ आपको प्रसाद की दुकानें लगी मिलेंगी। जैसे ही इस दरवाजे के पार करेंगे वैसे ही आप मंदिर अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे वैसे ही आपको सामने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी व फोटो लेना वर्जित है, इसलिए हम जितना मुझे बन सका उतने में आपको यहाँ की अंदर की व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर शिवरात्रि, दशहरे के समय में व सावन के समय में काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप समान दिनों में जाएंगे तो आपको 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और यह मंदिर 550 साल पुराना है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। इस मंदिर के द्वार पहले पूर्व दिशा में था। महाराष्ट्र के एक संत श्री रामदेव जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, और यहाँ पर मंदिर के पुजारियों द्वारा अंदर प्रवेश करने से रामदेव को रोका गया। फिर महाराज मंदिर के पीछे भजन कीर्तन करने लगे। भगवान शिव ने रामदेव की सच्ची भक्ति को देखकर मंदिर के द्वार रामदेव की ओर मोड़ दिया। मंदिर के द्वार उसी ओर हो गया जिधर रामदेव बैठकर भोलेनाथ का कीर्तन कर रहे थे। तब से लेकर आज तक ये मंदिर वैसा ही है, एवं इस तरह से इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर खुलता है, और शिवलिंग के दरवाजे ये तो उत्तर की ओर खुलते हैं या पूरब की ओर खुलते हैं। इसी कारण से आज भी नंदी की प्रतिमा मंदिर के पीछे की ओर दिखाई देती है। मुख्य गर्भगृह एक सकरी गर्भगृह में है। रास्ता इतना सकरा है कि एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जो चांदी के आवरण से ढका रहता है। पत्थरों से बना यह विशाल मंदिर निर्माण स्थापित का एक अच्छा सा नमूना है। कहा जाता है कि ये मंदिर 7 मंजिला था, बहुत ही भव्य था, लेकिन औरंगजेब ने उसकी सेना ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बचा था। उसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इसलिए मंदिर का निचला स्तर और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखता है। मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी झील है जिसके पास एक कालिका मंदिर भी है। दोस्तों, औंधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग की वीडियो का समाप्ति करते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा जिससे कि मेरे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।